नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। पांडुर्णा के ग्राम तिगांव से राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर स्थित बाईपास निर्माण होने के बाद लगभग एक दशक बाद ग्राउंड से गुजरने वाला आंतरिक मुख्य मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिसकी गुणवत्ता प्रथम दृष्टया कमजोर दिख रही है। लगभग 2,87,00,000 की लागत से निर्मित होने वाली 2.2 किलोमीटर आंतरिक सड़क का निर्माण कार्य SKI रेल रोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण की क्वालिटी से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। ठेकेदार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से साठगांठ करके मनमाना काम कर रहा है। लोक निर्माण के उपयंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सड़क निर्माण कार्य की समय पर जांच नहीं करते, जिस कारण तिगांव में पांडुर्णा बाईपास जोड़ से मोही बाईपास से जोड़ तक बन रही आंतरिक सड़क भगवान भरोसे है। 5 पुलिया के निर्माण के लिए भी कहा गया था, लेकिन 1 पुलिया नहीं बनाया गया, जो कि टेंडर में स्वीकृति के अनुसार जोड़ा गया है। इस घटिया सड़क निर्माण की उचित जांच करके दोषी ठेकेदार पर ठोस कार्यवाही करके गुणवत्ता पूर्वक सड़क बने, इस पर पूर्ण रूप से कठोर कार्यवाही की ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है। अभी जो रोड बन रही है, रोड का जो क्वालिटी है एकदम निम्न स्तर की है, उसी की शिकायत हम अभी कलेक्टर साहब से करने आए थे कि रोड की जांच होनी चाहिए, उसके क्वालिटी की जांच होनी चाहिए और उच्चतम गुणवत्ता वाला रोड बनना चाहिए। जो बनवा रहे हैं ये है SK प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ये रोड बनाया है। अभी रोड की क्वालिटी एकदम खराब है। आगे जाके डाइवर्जन अपना रूट डाइवर्ट होगा, पांडुर्णा से डंपर जाएंगे, बड़ी हेवी गाड़ियाँ जाएगी, वो डाइवर्जन डाइवर्ट रूट होता है तो वो क्वालिटी उस टाइप की है नहीं। भविष्य में हम तीघा वालों को आगे जाके बहुत सारी तकलीफ होगी। 1 साल बाद रोड टूट जाएगा तो हम किसको शिकायत करेंगे? कंपनी ठेकेदार अपना पैसा खा के अपना पैसा बना के वहाँ से भाग जाएगा, उसके बाद दिक्कत हम तीघा वासियों को ही होगी।